जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जब से बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से पार्टी की ताकत बढ़ने के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन टिकट वितरण के बाद पार्टी में साफ तौर पर बगावत देखे जाने लगी है। ऐसा ही मामला सरगुजा की सीतापुर विधानसभा सीट में देखने को मिल रहा है, जहां से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने मुन्ना टोपो को अपना प्रत्याशी तय किया, लेकिन नाम तय होने के कुछ दिन बाद ही पार्टी आलाकमान ने मुन्ना टोपो की जगह सेतराम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद मुन्ना ने सीतापुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जनादेश जो मुझे मिल रहा है, इससे ऐसे एहसास होता है कि आने वाले दिनों में सीतापुर विधानसभा ये तीनों ब्लॉक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे राय मशवरा लेके शायद चुनाव में निर्दलीय के रूप में लड़ूं। मेरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहने वाले मुन्ना ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुन्ना के मुताबिक सरगुजा में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के आज भी कांग्रेस प्रत्याशी और तीन बार से विधायक अमरजीत भगत से गहरे संबंध है, जो नहीं चाहते हैं कि मुन्ना की वजह से कांग्रेस विधायक चुनाव हारे, लिहाजा उन लोगों ने उनका नाम कटवा दिया है। इधर पार्टी में गूंजी बगावत के बाद सरगुजा टिकट बंटवारे में अपनी दखल रखने वाले जेसीसी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दानिश रफीक ने डैमेज कंट्रोल की बात की है। मुन्ना टोपो हमारे परिवार का अभिन्न सदस्य है। हमने मुन्ना टोपो जी से कोशिश की है बात करने की, और आजकल में संभावनाएं हैं कि उनसे बात हो जाएगी और वो मान भी जाएंगे, और नहीं भी मानेंगे तो किसी के मानने और नहीं मानने से जनता कांग्रेस नहीं रुकती है। ये एक परिवार है, इस परिवार में कोई परिवार का सदस्य नाराज भी होता है तो उससे जनता कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार बहुत बड़ा है, आदरणीय अजीत जोगी जी के सारे लोग हैं और अजीत जोगी जी के साथी हैं सारे। बता दें कि सीतापुर विधायक अमरजीत भगत और अजीत जोगी के संबंध गुरु शिष्य वाले रहे हैं, लेकिन पार्टी बनने के बाद अमरजीत ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा और जोगी ने नई पार्टी बना ली, जिसके बाद से सीतापुर की राजनीति में तरह तरह के समीकरण की चर्चा भी तेज हो गई थी, और चुनाव के पास आते ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने पुराने संबंध में थोड़ी और मिठास घोलकर जेसीसी की रीति नीति को साफ करने का प्रयास किया है। अंबिकापुर से संतोष कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN।